टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। छियासी साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा के जाने से केवल इंसान ही नहीं बल्कि उनके पालतू डॉग पर भी इसका असर दिखा। मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। इस अवसर पर रतन टाटा का डॉग गोवा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि वे बहुत बड़े पशु प्रेमी भी थे। अंतिम दर्शन के लिए जब डॉग भी पहुंचा तो गमगीन माहौल और ज्यादा मार्मिक हो गया। गोवा रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास बैठा रहा और उन्हें निहारता रहा। जब डॉग को वहां से हटाने की कोशिश की गई तो वह जमीन पर लेट गया। यह दृश्य जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया। फोटोग्राफरों ने गोवा की तस्वीर लेने के लिए धक्का मुक्की की, तब केयर टेकर ने बताया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। करीब 11 साल पहले रतन टाटा गोवा गए थे जहां उनकी कंपनी से जुड़ा कोई काम था। इस दौरान उन्हें सड़क पर एक कुत्ता मिला जिसे वो अपने साथ मुंबई लेकर आ गए। उन्होंने कुत्ते का नाम गोवा रख दिया क्योंकि वो उन्हें गोवा में मिला था। ये स्ट्रीट डॉग गोवा पिछले 11 सालों से रतन टाटा के आवास पर रह रहा है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि रतन टाटा पशुओं के बहुत बड़े प्रेमी थे।